तो बारिश बहुत तेज हो रही है और ये लोग ऑनिंग शेड के नीचे खड़े हुए हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एडवेंचर हट। और आज हमारे साथ स्पेशल क्लाइंट्स हैं जो आए हैं जम्मू से, सिद्धार्थ। हेलो, वेलकम टू एडवेंचर हट। तो आप अपनी ये कैंपिंग की स्टार्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सो कैंपिंग की स्टार्टिंग तो वहीं से हुई जब थोड़ी सी वीडियोस वगैरह। अब मैं बाहर रहता हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, सो वहाँ पे कैंपिंग स्पॉट्स बहुत हैं, एडवेंचर स्पॉट्स बहुत हैं। यस। तो पापा भी वीडियोस देखते रहते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा शौक था। तो अभी लेटेस्टली उन्होंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे, सो ही गॉट इनटू इट एंड देन आपका चैनल आया सामने एडवेंचर हेड। वहाँ पे उन्होंने देखा कि दैट यू इंस्टॉल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो उन्होंने आई थिंक कॉन्टैक्ट किया। मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता, ओनली दीज पीपल नो द स्टोरी। मेरे को बस थोड़े से जिस्ट, तो बस कॉन्टैक्ट किया एंड आई थिंक वी आर हेयर नाउ। अभी हम लगवा रहे हैं, सी लाइक इंस्टॉलेशन हो रही हैं एंड लेट्स सी हाउ द एडवेंचर एक्चुअली गोज, कैंपिंग कैसे जाती है, बिकॉज अभी तक तो हमने की नहीं। इट विल बी गोइंग रॉक। आप बताइए, आप इतने चांद क्यों खड़े हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है इनसे ज्यादा आप जानते हैं। बेसिकली ऐसा है नहीं, घर पे लाइक टीवी पे यूट्यूब ही चलता रहता है, तो उसमें पापा का बेसिक इंटरेस्ट लाइक कैंपिंग वाला साइड ही है। तो उन्होंने थोड़ा सा जब स्टार्ट में आपका देखा था तो उनका इंटरेस्ट आ गया था, तो वो पूछते थे मेरे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बीच में बोलता था कि पापा क्या फ़ायदा, रहने देते हैं, बट उनको था तो मैंने भी बोला कि करते हैं। तो अब वही उसकी वजह से अब आ गए हैं यहाँ पे लगाने। तो अब ट्राई करेंगे, दो प्लेसेस को करेंगे तो और इसको यूज़ करेंगे, तो लेट्स सी कैसे जाता है। एक क्वेश्चन और, व्हाई यू चूज एडवेंचर हट? क्योंकि मार्केट में आपको भी पता है बहुत सारे वेंडर्स हैं, बट पापा ने कहा कि अगर ये फर्स्ट वाला है तो ट्रस्ट, यू कैन से ट्रस्ट, कि अगर कहीं पे जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो वहाँ पे जाना बेटर है। तो हमें लगा कि यहाँ आना बेटर लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ। आई होप आपका ट्रस्ट बरकरार रहे और हम फुलफिल हो। हम तंग भी करते रहेंगे आगे भी। मोस्ट वेलकम। चलिए, तो फिट में गाड़ी आप देख सकते हैं जम्मू नंबर की है, इनोवा। और कोई भी इनोवा क्लाइंट्स हो, वो इंस्टॉलेशन उनके लिए ये इसलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि वो इससे रिलेट कर पाए, किसी का भी हो। तो फिटमेंट जैसे कि हो रही है वो दिखा दीजिए आप जूम करके, जैसे कि सब गाड़ियों में होता है नॉर्मल फिटमेंट। तो 4% टेंट है, ऑनिंग विद एनेक्स है। तो जैसे जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बढ़ेगा वैसे वैसे वीडियो में बनेगा। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, देखिए टेंट 4% टेंट जिसका साइज होता है 6x7 वो इस पर फिट किया जा रहा है, ऑलमोस्ट डन है। और इस साइड ऑनिंग 7x7 feet। तो अब बारी है डेमो की। हाँ, इसको बीच में दबाना है, खुल जाएगा। तीन साइड है ये। वेदर बहुत ज्यादा ही प्यारा हो गया है। सर, दिल्ली को हमने शिमला बना दिया है आपके लिए। धीमी धीमी बारिश हो रही है, बट ठीक है, टेंट वाटरप्रूफ है तो डरने की बात नहीं है। ये ज्यादा मेहनत आपसे क्यों कराई जा रही है? मुझे पता है, अभी 2 महीने में ही कर रहा हूँ। हाँ, रही है। और सिद्धार्थ पहुंच चुके हैं अंदर, कैसा लग रहा
स्पेशियस, कंफर्टेबल, अच्छा है, कंफर्टेबल है। ओके, तो कैंपिंग में आई होप अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आ जाएगी। हाँ, डार्क है काफी, सो इशू नहीं रहेगा उसका। हाँ, क्योंकि काफी बार लाइट का इशू रहता है, तो अच्छा है। हाँ जी, रोल करना पूरा हटा दो ये। हाँ, इस पाइप में ही लगा, जल्दी का काम। हाँ, कंफर्टेबल है बहुत, काफी, तीन लोग तो है। वेंटिलेशन बाहर निकालने का ऑप्शन भी है, इट्स गुड। और ऊपर ये जो है ना, ये मून व्यू है। अच्छा, पर इसके लिए ना बारिश में से यूज नहीं कर पाओगे, फिर वो व्यू खत्म हो जाएगा। हाँ, ये वाला पोर्शन है ना, हाफ खुल जाएगा उस साइड से। ओके, देन आप उसको खोल सकते, ऊपर भी निकल सकते हो उसके बाहर भी। अच्छा, ये रहा ना, कैंपिंग में इसको यूज कर सकते हैं। फील्स नाइस है, मेरे को पहली बार वाइब आ रही है कैंपिंग में। अंदर हवा आ रही है, ये छोटे, ये जो है ना ऊपर पोर्शन, वो छोटी वेंटिलेशन है। जब विंडो सारी बंद होगी, गेट बंद होगा, तो वो वेंटिलेट करेगा दो साइड। ओह नाइस, इधर दो पॉकेट है, इधर भी दो पॉकेट है फोन वगैरह रखने के लिए। तो थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। कैंपिंग में बाकी फीडबैक दीजिएगा। हां जी, ऑफ कोर्स, विल डू। तो वार्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सर, आपका सेटअप पूरा हो चुका है और बारिश भी हो रही है, इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, तो आप बताइए कुछ, आप जब से बोले नहीं है। हम कैमरे की तरफ मत देखो जी, बताइए। मैम, अच्छा लग रहा है आपकी वीडियो देख के ही। मैं इंस्पायर हुआ हूँ इसके लिए। Okay. तो आपकी वीडियो देखने के बाद ही मैंने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करें कैंपिंग का, और बस वो सोचने के बाद पहुंच गया आपके पास जी, अभी लगा लिया। तो हमारा जो सेटअप है और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, वो आपको कोई कैसा? कोई कमी नहीं है, बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया भी है और अच्छा भी है। तो उसके बाद वो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी मटेरियल वाइज है, मटेरियल वाइज अच्छा है। और प्रैक्टिकल लगा आपको, जैसे ऑनिंग्स होती है बहुत प्रैक्टिकल नहीं होती। मैं सोच के आया था उससे बेटर है। ओके, इतना सोच के आया था उससे अच्छा ही। हमें बहुत इंस्पायर करते हैं आपकी जनरेशन जो होती है, हम लोग बहुत डर जाते हैं, चीज़ों को रिस्क नहीं लेते, बट आप ये चीज कर रहे हैं तो अच्छा लगता है बहुत, लोगों को भी एक मैसेज मिलता है। तो सर का एक्सपीरियंस तो अभी तक अच्छा रहा, बाकी जब सर कैंपिंग करेंगे तब हमें बताइएगा। बिल्कुल मैम, आपके साथ ही कैंपिंग करेंगे कभी। सर जम्मू से हैं तो पटनी टॉप बहुत अच्छी जगह है, कभी वहाँ कैंपिंग करेंगे सर के साथ। वेलकम। तो एक बार लुक दिखा दीजिए, 360 व्यू। इसमें आप सर तीन चार दिन भी डालेंगे ना, तब भी पानी इसमें नहीं आएगा, पर ठहरना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। भी गया ना तो कोई इशू नहीं वाला है। जो राड है, वो उसकी हाइट एडजस्टेबल हाइट है, फिक्स है। तो बारिश बहुत तेज हो रही है और ये लोग वार्निंग शेड के नीचे खड़े हुए हैं। ये बारिश, तो जल्दी जल्दी अब टैंक को क्लोज करते हैं, जो कि सारे मिलके कर रहे हैं। और पहले ऑनिंग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए कितना सारा पानी इन पर जमा हो गया था। तो
ऑनिंग ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, अब टेंट की बारी है। बारिश में भीग रहे सारे। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से वीडियो बहुत अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन अब सर जा रहे हैं तो हम बाय बोल देते हैं और थोड़ा थोड़ा सबका फीडबैक ले लेते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बेटर था। एंड मुझे जो ये प्रोडक्ट है ये काफ़ी पसंद आया, एंड ट्राई करेंगे अब इसको, उसके बाद आपको फीडबैक देंगे फिर से, आप लोगों से सीखेंगे भी। चला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैम, बहुत अच्छा। सही मेरे पास है। ओके, मेरा फीडबैक ये, मैं शॉक हुआ था क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि आप लोगों ने एक्चुअली ये प्रोडक्ट लगाया है, खुद मैन्युफैक्चर किया है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स आपने बोला 400 लाइन्स है, इट्स रियली गुड। एंड प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इवन हमने कहीं से ना ही देखा था इससे पहले और ना ही कहीं खरीदने गए या कुछ करने गए, खुद से ही बनाया। अब तो मार्केट में ये चीज़ें हो गई है, हमारे ही प्रोडक्ट कॉपी हो गए 2-3 बार। एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ यू टोल्ड मी दैट कि ये मैन्युफैक्चरिंग आपकी है जी। सो इट्स रियली गुड, थैंक यू, अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, दिस इज़ रियली गुड फॉर द जनरेशन कमिंग अप। और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एकदम कूल गाइस।